डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज मेड ईजी की इस क्लास में आज हम लोग हैव, जो कि एक बेस फॉर्म माना जाता है, इसकी सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज, इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड, तथा सभी मॉडल्स के बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हैव बेसिकली बेस फॉर्म है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम लोग टाइम के हिसाब से अगर बात करें, तो आप अभी तक ये पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं कि हम लोग टाइम को तीन भागों में बांटते हैं, यानी वर्तमान समय यानी प्रेजेंट, बीता हुआ समय यानी भूतकाल यानी पास्ट, आने वाला टाइम यानी फ्यूचर। ठीक ऐसे ही हम लोग हैव, जो कि एक बेस फॉर्म है, इसकी सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट में ही हैज होती है और पास्ट में हैड होती है, पर सभी मॉडल्स के बाद अपन लोग सिर्फ बेस फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे हैव। तो इस हैव का क्या क्या यूज होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वर्ब हैव बेसिकली एक मल्टीपर्पज वर्ब है। मल्टीपर्पज वर्ब से मेरा मतलब है कि इसे हम लोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जिसका मीनिंग सामान्यतया होता है किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाना यानी पजेशन दिखाना, ओनरशिप यानी अपना स्वामित्व या मालिकाना हक दिखाना। इसके अलावा कोई भी रिलेशन या रिलेशनशिप बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, साथ में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी एनिमल के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके फीचर्स की बात करें तो उनको बताने के लिए भी हम लोग इसी वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में। साथ में ये मल्टीपर्पज वर्ब इसलिए भी है कि इसका प्रयोग बहुत सी एक्शन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे खाना, आप नाश्ता करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, तो उसके लिए यानी उस ईट के सेंस में भी आप लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं। प्राप्त करना, पाना, उसके सेंस में भी हैव का प्रयोग कर सकते हैं। पीना, यानी जैसे आई प्रीफर टू हैव ए कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर इस हैव का प्रयोग पीने यानी ड्रिंक के सेंस में भी हुआ है। तो इस प्रकार देखा कि इस हैव का प्रयोग हम लोग अनेक प्रकार की एक्शन वर्ब के सेंस में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा यानी एक तो ये मुख्य क्रिया के रूप में तो हो ही गया, साथ में जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं यानी जो कंप्लीटेड एक्शन है, उन परफेक्ट टेंस में इन्हीं हैव, हैज, हैड या फिर विल हैव, मस्ट हैव, मे हैव, जो भी इस तरीके से कहना चाहिए मॉडल वर्ब्स के बाद भी इसका प्रयोग होता है। तो इस हैज और हैड का प्रयोग हम लोग जो परफेक्ट टेंसेज हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका यूज करते हैं। साथ में कोई भी कंपल्सन, मजबूरी दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग मॉडल वर्ब्स के रूप में करते हैं। जैसे आई हैव टू टीच सम स्टूडेंट्स, यानी मुझे कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है या पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पर कंपल्सन, मजबूरी, कोई दबाव या सामने वाले व्यक्ति को कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसके लिए भी हैव में के बाद इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग यानी टू इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस बनता। जैसे यू हैव टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करना है। और साथ में कॉजेटिव वर्ब, किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम हम जब करवाते हैं तो कॉजेटिव वर्ब के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। इसलिए हैव हैज मल्टीपर्पज वर्ब है, अपने आप में मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका यूज होता है। तो आइए इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं। जैसा कि पहले आपके सामने लिखा है कि हैज जो है, ये ध्यान दीजिए, ये बेस फॉर्म है, हैव इज द बेस फॉर्म, हैज इसकी सिंगुलर फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अभी तक हम लोग सिंगुलर फॉर्म एस या ईएस लगाकर बनाते थे एक्शन वर्ब्स में, जैसे गो, गोज, प्ले, प्लेज, लर्न, लर्न्स, लेकिन यहां पर इस हैव की सिंगुलर फॉर्म सेपरेटली हैज दी हुई है। इसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, तथा मॉडल्स के बाद डायरेक्ट हैव का प्रयोग होता है। तो इसके चार इंपॉर्टेंट यूज हैं। सबसे पहले इसका यूज है जिसे कि हम लोगों ने लिखा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा तात्पर्य है
ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है. किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है. और जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उनमें इन हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है इनके बाद, तो वो परफेक्ट टेंस बन जाते हैं. जब मैं यह मॉडल्स की बात करता हूँ तो ये मजबूरी दिखाते हैं और ये हैव टू का उपयोग करते हैं. इसके बाद बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो एक तरह से मॉडल का काम करते हैं और ये कंपल्सन मजबूरी दिखाते हैं जो कि अभी हम लोग सीखते हैं. मेन वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको अभी भी बताया इसके कई अर्थ होते हैं. ऑनरशिप, पजेशन, किसी व्यक्ति वस्तु के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप या रिलेशन के अलावा बहुत सी एक्शन वर्ब्स के रूप में मेन वर्ब में इसका यूज किया जाता है. कॉजेटिव वर्ब, जब किसी अन्य व्यक्ति से हम कोई काम करवाते हैं, यानी ऐसे अनेक काम है जो हम खुद नहीं करते. जैसे हम कहते हैं मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ, तो खुद नहीं काटता हूँ, अपने बाल कटवाता हूँ, तो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग होता है. कुछ अन्य वर्ब भी हैं जैसे मेक और हेल्प और गेट जो कि कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज होता है, और यहाँ हैव भी कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज होता है. तो चार तरीके से इसका यूज होता है. आइए अब मैं आपको इनके अलग अलग इनके यूसेस बताना चाहूँगा. इसे आप बहुत ध्यान से समझें क्योंकि ये बोलचाल के दृष्टिकोण से या कहना चाहिए इसके यूज़ के हिसाब से काफ़ी संख्या में या तादाद में इसका प्रयोग बोलचाल में लिखने में किया जाता है. यानी इन हैज और हैड के बिना अगर आप चाहें कि अंग्रेजी सीख जाएं तो असंभव है, क्योंकि इसका प्रयोग काफ़ी जगह पर होता है, क्योंकि यह मल्टीपर्पज वर्ब है. मल्टीपर्पज वर्ब से मेरा उद्देश्य है बहुउद्देशीय क्रिया, जहाँ पर इसके अलग अलग उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग अभी ले रहे हैं ऑक्जिलरी वर्ब. तो जो भी ऑक्जिलरी वर्ब हम लोग यहाँ पर अभी सीख रहे हैं इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये परफेक्ट टेंसेस में इसका प्रयोग होता है. इसलिए लिखा यूज्ड फॉर फॉर्मिंग परफेक्ट टेंस. और ऐसे केसेस में इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है पास्ट पार्टिसिपल. जैसे आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर, ये कहानी मैंने पहले सुनी है या ये कहानी मैं पहले सुन चुका हूँ. तो यहाँ पर हैव के बाद हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड दी हुई है. ध्यान दीजिए इसका प्रोनंसिएशन हर्ड है, भले इसकी प्रेजेंट फॉर्म हियर बोली जाती है, लेकिन जब आप इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदलें तो इसे हियर्ड नहीं कहेंगे, हर्ड कहेंगे. क्या है इसका प्रोनंसिएशन? सिंपल हर्ड, हर्ड. सो आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर, यह कहानी मैंने पहले सुनी है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी, सो मैं एक राजनीतिक दल को मैंने ज्वाइन करने का निर्णय लिया है या निर्णय ले चुका हूँ. सो आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन, सो आई हैव डिसाइडेड, हैव के बाद यहाँ पर अगेन थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है. अब मैं एक कॉमन रूल में आपको बता दूँ, प्रेजेंट में फॉर्म होती हैव और हैज, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, ये बेस फॉर्म है, अपने आप में प्लूरल मानी जाती है. हैज सिंगुलर फॉर्म है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं. इसकी सेकंड फॉर्म यानी इसकी पास्ट फॉर्म हैड होती है, और सभी सब्जेक्ट के साथ, ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल आप समझ चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी प्रोनाउन हो, आई वी यू दे ही सी, हम इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं. इसलिए पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है. मॉडल्स के बाद
हमेशा बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। ये एक बहुत ही बेसिक रूल है जो आप सबको मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट भले आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल्स के बाद हमेशा हैव लगाते हैं। ये मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ, यदि आप में से जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अभी हाल ही में बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस पूछा गया था, और सेंटेंस था योर सर्वेंट माइट हैज स्टॉलन योर चैन। सो योर सर्वेंट माइट हैज स्टॉलन योर चैन, नो डाउट हैज स्टॉलन वैसे तो अपने आप में सही है, पर चूंकि आपका यहां पर सर्वेंट ही के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, भले ये सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर मॉडल के बाद यूज करना है तो कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा प्लूरल फॉर्म होगी। इसलिए इस रूल को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हैज अव हैड में हैव बेस फॉर्म माना जाता है, तो भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल्स के बाद हमेशा हैव ही आएगा, हैज कभी नहीं आएगा, भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ना ही हैड आएगा और ना ही इसकी कोई अन्य फॉर्म आएगी। आइए एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। आई हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर 3 डेज, क्लियर, कि मैंने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, तो यहां पर हैड नॉट ईटन, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता। जैसे मैंने कहा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू केम, सो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू केम, इट मीन्स आपके आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो यहां पर आई हैड कंप्लीटेड, अब पास्ट परफेक्ट का यूज कब करते हैं ये इसके टेंस में मैं आपको सिखाऊंगा, पर यहां हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, और चाहे यहां ही हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, सब में हैड का ही प्रयोग होगा। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। अक्सर में सेंटेंस है राकेश हैज ऑलरेडी गोन देयर, इट मीन्स राकेश पहले ही वहां जा चुका है। चूंकि आपका सब्जेक्ट राकेश सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म हैज का प्रयोग किया गया है, और हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है गोन, तो राकेश हैज ऑलरेडी गोन देयर। आइए एक सेंटेंस और देखिए, राम विल हैव रीच्ड देयर बाय 6 o'clock, कि राम वहां पर 6 बजे तक पहुंच जाएगा या पहुंच चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह मॉडल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है, सॉरी विल का प्रयोग किया गया है। विल की जगह पर अब मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनके बाद हमेशा हैव ही आना चाहिए, क्योंकि यह हैव बेस फॉर्म है। इसलिए मैंने बार बार ये कहा है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हैव का ही प्रयोग होगा, भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। तो यहां पर अभी फिलहाल आपने देखा कि हैव हैज हैड का जो पहला इंपॉर्टेंट प्रयोग है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, और इसका प्रयोग परफेक्ट टेंसेस में किया जाता है। हैज अ हैड के बाद परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पूरा डिटेल्ड जो आप परफेक्ट टेंसेस को है वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी के इस पार्ट 11th में आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला यूज था ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए अब यहां पर एक मॉडल वर्ब के रूप में यहां पर प्रयोग है। मॉडल वर्ब के रूप में मेरा तात्पर्य है कि हम लोग यहां पर हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, अगर पास्ट है तो हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और मॉडल्स के बाद जैसे फ्यूचर में आपको 10 बजे आना पड़ेगा या आना होगा, तो यहां विल का प्रयोग करेंगे, यू विल हैव टू कम हियर एट 10 o'clock। तो जब हम लोग मॉडल वर्ब्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः हम ये कहते हैं कि हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू,
के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वैसे भी ये टू आ गया तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग ही यहाँ पर होगा। क्लियर, ये हैव टू डू समथिंग इसका स्ट्रक्चर है। इससे हम लोग किसी काम को करने की करना चाहिए कि बाध्यता दिखाते हैं, मजबूरी दिखाते हैं, या फिर सामने वाले व्यक्ति को कोई काम करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं या उसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम करना है, करना ही है। सामान्यतया हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें पढ़ता है, पढ़ता था, कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होता है। मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ। मान लीजिए मैं ये कहूँ आई हैव टू कुक फूड। सो आई हैव टू कुक फूड, मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। आई हैव टू कुक फूड, आप हिंदी में इसके अलग अलग तरीके से भाव निकाल सकते हैं, पर सभी का भाव एक ही है कि कोई काम आप बाध्यता के कारण, मजबूरी के कारण या अपने किसी ऑब्लिगेशन, कोई दायित्व के कारण कोई काम आप करते हैं, आपकी खुद की उसमें करने की विलिंगनेस नहीं है। जैसे कहते हैं आई हैव टू कुक फूड, तो हिंदी में इसका अर्थ हो सकता है मुझे खाना पकाना पड़ता है, मुझे खाना पकाना होता है, मुझे खाना पकाना है, मुझे खाना पकाना ही है। इस तरीके के भाव इन स्ट्रक्चर से निकलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है मॉडल्स के बाद, यानी यहाँ पर हमेशा हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। मीन्स वी यूज हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी और समथिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कुछ कोई काम करना आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, और मस्ट हैपन या वो काम अवश्य होना चाहिए। क्लियर, इफ यू डोंट हैव टू डू समथिंग इट इज नॉट नेसेसरी और रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल नहीं करना होता इसका मतलब उस काम को करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन कर रूं, व्हेन समथिंग इज ये नेसेसरी और रिक्वायर्ड और मस्ट हैपन, हिंदी में कह सकते हैं कि किसी काम की बाध्यता, मजबूरी, कुछ काम आपकी इच्छा नहीं है लेकिन दायित्व निभाने के लिए करना पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति को किसी बात का इंस्ट्रक्शन या सलाह। आइए कुछ सेंटेंस समझते हैं। पहला सेंटेंस है जो कि है यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, ये सामने वाले व्यक्ति को सलाह है या इंस्ट्रक्शन है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करना है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज टू गेट अप अर्ली एवरी डे, उसे रोजाना जल्दी उठना पड़ता है। चूंकि आपका सब्जेक्ट ही है इसलिए यहां पर हैज टू का प्रयोग किया गया। चूंकि सब्जेक्ट आपका यहां यू प्लूरल है, यानी आई वी यू दे के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज, वही रूल यहां पर लागू होता है। सो आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, ही हैज टू, सी हैज टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैड टू गो टू फ्रांस लास्ट ईयर, पिछले वर्ष हमको फ्रांस जाना पड़ा। तो यहां पर हैड टू गो पास्ट में है, बीते हुए समय में किसी दबाव में कोई काम करना पड़ा, इसलिए यहां पर इसका यूज किया गया है हैव टू। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू विल हैव टू सीक परमिशन बिफोर यू लीव, कि आप यहां से जाएं उससे पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी होगी, यानी आपको परमिशन लेनी होगी। सो यू विल हैव टू सीक। अब यहां पर देखिए विल के बाद हैव टू लगा है, और यह रूल है कि जब कभी भी हम मॉडल्स के बाद प्रयोग करें तो भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर हैव बेस फॉर्म है, तो यू विल हैव टू सीक परमिशन बिफोर यू लीव, कि आप यहां से जाएं उससे पहले आपको अनुमति लेनी होगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे नेगेटिव भी बन सकते हैं, इसे इंट्रोगेटिव भी बन सकते हैं, यानी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, क्या यह हमको आज ही खत्म करना है या पूरा करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं क्या आपको रोजाना कॉलेज जाना पड़ता है,
सो डू यू हैव टू गो टू कॉलेज एवरी डे? चूंकि यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हैज हैव, हैड एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट है, विल हैव एक तरीके से फ्यूचर है, तो हम इसका प्रयोग तीनों ही टेंस में यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में सीखेंगे। और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के जो रूल्स थे उन सब का पालन उसी तरीके से करना होगा जैसा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। क्लियर? तो ये यहां पर मजबूरी वाला कि कोई भी कार्य किसी कंपल्शन के कारण, बाहरी दबाव है, बाध्यता है, मजबूरी है, यानी बाहरी दबाव के कारण, खुद की विलिंगनेस नहीं है, दायित्व निभाने के लिए करना होते हैं या सामने वाले को इंस्ट्रक्शन, तो ये एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है। और मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा तो हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, हम इसे कहेंगे, और उसके बाद बेस फॉर्म का प्रयोग होगा। आइए एक बहुत एडवांस्ड लेवल इंग्लिश ग्रामर का पार्ट, कॉजेटिव वर्ब की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहां पर लेंगे। ध्यान दीजिए, कॉजेटिव वर्ब का एक कंप्लीट चैप्टर अपनी बुक और अपनी इस क्लास में कॉजेटिव वर्ब के नाम से है, जो कि डिटेल में वहां पर आपको ये सारी चीजें समझाएंगे। अभी फिलहाल मैं हैव का कॉजेटिव वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉजेटिव वर्ब्स कॉमन है, जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेटिव वर्ब्स हैं, वे हैं गेट, हैव और मेक। इसके अलावा भी कुछ अन्य वर्ब्स हैं जिन्हें हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में काम ले सकते हैं। क्लियर है? अब ये लेकिन इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो कॉजेटिव वर्ब्स में प्रयोग होती हैं वो गेट, हैव और मेक है। गेट भी एक मल्टीपर्पज वर्ब है जिसका डिटेल में आपको स्टडी करना चाहिए, और किसी अच्छी डिक्शनरी से इसके जितने भी यूज गेट के वो सीखना चाहिए, या फिर युवाम की जो एक्टिव फ्लुएंसी वर्ब की किताब है उसमें गेट को पूरे इसके मीनिंग दिए हैं। जब हम लोग इनका कॉजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई काम हम खुद नहीं करते, किसी अन्य व्यक्ति से वह काम करवाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर देना चाहूंगा। जैसे रन का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे दौड़ना। अब मैंने कहा दौड़ाना की अंग्रेजी क्या होगी, यानी रन की हिंदी हो गई दौड़ना, या दौड़ना की अंग्रेजी हो गई रन, दौड़ाना की अंग्रेजी क्या होगी? तो आप बिल्कुल भ्रमित आपको हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहा टू राइट यानी लिखना, क्लियर, लिखाना यानी डिक्टेट करना, लिखवाना क्या अंग्रेजी होगी, धोना क्या अंग्रेजी होगी, आप कहेंगे वॉश, डब्ल्यू ए एस एच वॉश। मैंने कहा धुलवाना तो क्या अंग्रेजी होगी, चलिए बताइए, हंसना यानी टू लाफ, हंसाना, बस इन्हीं को हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। मैं आपको यहां पर हैव की एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले यह है, यदि हम किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम करवाएं, यानी समथिंग कोई काम करवाएं, तो हम लोग हैव के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में उस समथिंग की अंग्रेजी लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको अपने जूते पॉलिश करवाना चाहिए, आपको अपने जूते पॉलिश करवाना चाहिए, तो यहां पर मैंने कहा यू मस्ट हैव, यानी मैंने लिखा यू मस्ट हैव, सो यू मस्ट हैव व्हाट, तो यहां पर जो आप लिख रहे हैं शूज, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ कि यू मस्ट हैव योर शूज, या जगह नहीं इसलिए शॉर्ट में शूज, और उसके बाद हुआ आपकी थर्ड फॉर्म आएगी पॉलिश्ड। क्लियर है कि आपको अपने जूते पॉलिश करवाना चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहले एक सेंटेंस यहां देखिए, यहां पर सेंटेंस है आई हैड माई हेयर कट यस्टरडे, सब्जेक्ट क्या है, आई।
हैड यानी कोई अपने पास किसी चीज़ का होना, एक तरह से मान लीजिए पाना. सो आई हैड पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे आपका यस्टरडे लगा हुआ है तो पास्ट में. आई हैड वॉट ऑब्जेक्ट के रूप में समथिंग कुछ चीज का नाम लिखेंगे. आई हैड माई हेयर हेयर और यहां पर कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है कट कट कट. इससे बेटर देखिए एग्जाम्पल और देखिए ये वाला क्या लिखा हुआ है. ही हैड हिज कार रिपेयर्ड. तो बहुत क्लियरली यहां पर ही सब्जेक्ट है. इसके बाद चूंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो हैव की पास्ट फॉर्म हैड लिख दिया और यहां पर किसी चीज को पाना लेने से इसका मतलब है. सो ही हैड हिज कार तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया हिज कार जो कि समथिंग की अंग्रेजी है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिपेयर्ड. इट मींस उस कार की रिपेयर उसने खुद ने नहीं की किसी मैकेनिक से उसने उसकी मरम्मत करवाई. इसका डिटेल में जस्ट नेक्स्ट पार्ट ये है अपना पार्ट फोर्थ जिसके अंदर कॉजेटिव वर्ब का तो अलग चैप्टर है लेकिन मॉडल्स के रूप में हैव टू हैज टू नेक्स्ट ही चैप्टर में है तो आप कॉजेटिव वर्ब का चैप्टर जरूर पढ़ना आपको. नेक्स्ट एक देखिए He is going to have her house painted next month. अब यहां पर he is going to have ये अभी आप पढ़ चुके हैं कि भविष्य के लिए हम लोग going to का यूज कर सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है have के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया her house और इसके बाद यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ कि वह अगले महीने अपने मकान को पेंट करवा रही है. कब करवा रही है? अगले महीने. तो खुद नहीं करेगी किन्हीं अन्य व्यक्ति से वो अपने मकान को पेंट करवाएगी. तो कॉजेटिव वर्ब का मीनिंग यही है कि जब हम कोई काम किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं तो फिर हम लोग कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं और यहां हैज के बाद हैड के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में समथिंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है. इसके अलावा कॉजेटिव वर्ब में इसका एक यूज और है. आपको बिना नुकसान पहुंचाए अगर किसी ने आपका पर्स चुरा लिया तो किसी अन्य व्यक्ति ने तो चोरी करने का काम किया पर पर्स किसका गया? आपका, क्योंकि आप पर उसका मालिकाना हक था यानी वो आपका था. तो जैसे एक सेंटेंस देखिए शी हैड हर बैग स्टॉलन. इसका मतलब कि उसका बैग चोरी चला गया या चोरी करवा दिया से मतलब नहीं, चोरी चला गया लेकिन शी ने काम नहीं किया, चोरी करने वाला कोई और है. इस हेड के बाद समथिंग आया हर बैग. शी हैड हर बैग स्टॉलन और उसके बाद स्टील की थर्ड फॉर्म आ गई स्टॉलन. तो है ना एक मल्टीपर्पज वर्ब और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है कॉजेटिव वर्ब्स के. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अनेक बार कॉजेटिव वर्ब्स को लेकर सेंटेंस पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में. साथ ही ध्यान दीजिए बिना कॉजेटिव वर्ब्स के आप न तो बोल पाएंगे धारा प्रवाह और नहीं लिख पाएंगे. अगर कहीं कॉजेटिव वर्ब के रूप में हैज अ हैड का प्रयोग आ गया और अगर आपको इसके स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है तो क्या आप उसका भाव समझ पाएंगे, क्या मीनिंग समझ पाएंगे? नहीं. इसलिए कॉजेटिव वर्ब और मेरा अनुभव कहता है जनरली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कॉजेटिव वर्ब्स की डिटेल्ड नॉलेज नहीं देते यानी इसको नहीं पढ़ाया जाता है. इसलिए इस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको निश्चित रूप से हैज अ हैड जो कि मल्टीपर्पज वर्ब है अलग अलग उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो आपको इसके सारे मीनिंग पता चल जाएंगे. अब मैं आपको ब्रीफ में हालांकि कुछ इसके यूज और भी हैं लेकिन मैं इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. ध्यान दीजिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा भी स्ट्रक्चर तो हैं क्लियर लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से. पहले एक सेंटेंस पढ़िए वी हैव द हाउस पेंटेड एवरी ईयर. अब आप इसको ग्रामेटिकल कैटेगराइजेशन के आधार पर बताइए सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे वी.
मेन वर्ब के रूप में अगर देखें कॉजेटिव वर्ब तो क्या है, हैव। इसका ऑब्जेक्ट क्या है जो कि समथिंग के रूप में मिलेगा, तो आप कहेंगे साहब द हाउस, द हाउस इस हैव का ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी वी हैव समथिंग। देन आपका यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, क्लियर। इट मींस हम हर वर्ष अपने मकान को पेंट करवाते हैं। क्या स्ट्रक्चर है ध्यान दीजिए, इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में समथिंग। ध्यान दीजिए सम, सॉरी ये गलती से हुआ, ये समथिंग होना चाहिए, समथिंग, ये टाइपिंग एरर रहा है, मैं पहले ही बोल चुका हूं समथिंग। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ, समथिंग, और उसके बाद यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग है। ये सबसे कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्लियर। आइए अगला सेंटेंस देखिए, जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो, आई विल हैव समवन कलेक्ट इट फॉर यू। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहां पर है आई विल हैव, सब्जेक्ट क्या है आई, विल हैव यानी हैव का यूज हुआ फ्यूचर में, इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में ये समथिंग जो है इसकी बजाय यहां पर हुआ समवन, क्या यूज हुआ है सम यानी कोई व्यक्ति, हैव समवन। आप यहां पे कोई नाम भी लिख सकते थे, कोई भी यहां पर कॉमन नाउन भी लिख सकते थे, आप कोई प्रोनाउन भी लिख सकते थे, और उसके बाद आप देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इसका पहले मीनिंग देखिए, जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो, आई विल हैव समवन कलेक्ट इट फॉर यू, कि थोड़ा इंतजार करो, मैं किसी के द्वारा आपके लिए इसे कलेक्ट करवा दूंगा, यानी आपके लिए इसको भिजवा दूंगा या मंगवा लूंगा। सो आई विल हैव समवन कलेक्ट इट फॉर यू। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ही समवन आया ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग हुआ है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, क्लियर। ध्यान दीजिए, कभी कभार कुछ स्ट्रक्चर में यहां पर इस ह्यूमन बींग्स के बाद में आईएनजी फॉर्म भी आता है, यदि कोई काम करवाने के सेंस में। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी बहुत ही इमोशनल है, उस इमोशनल सीन को देखकर आपको रोना आ गया, तो आप कह सकते हैं द मूवी हैड अस क्राइंग, सो द मूवी हैड अस क्राइंग, आईएनजी फॉर्म आया है, यानी मूवी ने हमको रुला दिया, ऐसा मीनिंग है। आइए अब एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपके दांत में दर्द है और मैंने कहा आपको ये दांत उखड़वाना ही पड़ेगा, उखड़वाना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, एक तो मजबूरी वाली बात होगी, बाध्यता, जो मैंने अभी अभी आपको हैव टू हैज टू में बताया था, और आप दांत खुद पकड़ के नहीं उखाड़ सकते, आपको किसी डेंटिस्ट से उस दांत को उखड़वाना पड़ेगा, क्लियर। तो दोनों जगह इसका यूज हुआ, तो ये सेंटेंस मैं आपको यहां पर लिखवाना चाहूंगा, आप नोट कर लीजिए, यू विल हैव टू, मजबूरी दिखा रहा, और उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, जैसे यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू राइट ए लेटर, यू विल हैव टू प्ले फुटबॉल, यू विल हैव टू स्टडी हार्डर। अब यहां दांत उखड़वाना है तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में अगेन एक हैव आएगा, क्लियर। सो यू विल हैव टू हैव योर टूथ आउट, आउट का मतलब बाहर करवाना होगा, क्लियर। तो यहां पर आप खुद देखिए कि किस तरीके से यहां पर मजबूरी, दबाव भी है कि करवाना ही पड़ेगा, और कोई काम करवाना भी हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से एक मल्टीपर्पज वर्क के रूप में हैव एज हैड के आप तीन यूज देख चुके हैं, कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट टेंसेज के अंदर, मॉडल वर्ब के रूप में कोई कंपल्सन, किसी काम को करना नेसेसरी है, कोई काम अवश्य होना चाहिए उस सेंस में, और तीसरा जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर आता है, एडवांस लेवल ग्रामर का पार्ट है, कॉजेटिव वर्ब के रूप में, किसके रूप में, कॉजेटिव वर्ब के रूप में। आइए अब हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग देखते हैं, और मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग
हमेशा ऑनरशिप और पोजीशन में सबसे ज्यादा कॉमन किया जाता है. इसके अलावा अन्य बहुत से एक्टिविटीज एक्शन वर्ब्स ऐसी हैं जहां हम लोग इसका प्रयोग करते हैं. तो आइए हम लोग हैव का प्रयोग किस तरीके से मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं. फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा, मुख्य क्रिया से मेरा तात्पर्य है कि जब अकेली कोई वर्ब बिना किसी अन्य क्रिया के, बिना किसी वर्ब की सहायता के अपना पूरा भाव व्यक्त कर दे तो वह मुख्य क्रिया कहलाती है. जैसे इज आर एम वॉज वर, ये मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है. जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो यहां पर आई एम अकेला ही यहां पर अपना पूरा भाव बता रहा है. आई एम ए टीचर. यानी आई एम ए टीचर, तो यहां पर क्या कोई अन्य वर्ब है क्या? नहीं है. क्लियर है? तो अन्य वर्ब यहां पे है ही नहीं. ठीक ऐसे ही अगर मैं यहां पे कहूं आई एम टीचिंग यू, अब यहां पर इस एम के बाद टीचिंग लगा दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया. तो हेल्पिंग वर्ब से मेरा तात्पर्य है कि अकेली वर्ब अपना काम करे तो वह मेन वर्ब होती है. तो मैं आपको एक बार के लिए, पहला मैंने कहा कि हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मैंने कहा आई हैव रिटन ए न्यू बुक. ए न्यू बुक आप समझ लीजिए अंडरस्टूड है. और आई हैव रिटन, तो यहां पर अभी फिलहाल ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है जो कि ये रिटन के पहले आया है. दूसरा इसका जो यूज मैंने आपको बताया था मजबूरी में, और मैंने लिखा आई हैव टू राइट बुक्स, आई हैव टू राइट बुक्स. सो यहां हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है. क्लियर? और तीसरा था कॉजेटिव वर्ब के रूप में, जैसे मैंने कहा आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार की रिपेयर करवाई. या आई हैव माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे, सो आई हैव माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे मीन्स मैं रोजाना अपने जूतों की पॉलिश करवाता हूं. लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है तो जैसे मैंने कहा आई हैव ए कार, यहां पर हैव अपने आप में कंप्लीट मीनिंग यहां पर एक्सप्रेस कर रहा है, पूरा मीनिंग यहां पर बता रहा है, इसलिए यह यहां पर मुख्य क्रिया है. सो मेन वर्ब के रूप में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूज इसका है पजेशन, यानी किसी भी चीज पर अधिकार, ऑनरशिप, यानी आपका स्वामित्व यहां पर बताया जा रहा है. किसी के पास, किसी के अधिकार में, किसी के मालिकाना हक में कोई चीज है. और यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग डिटेल में इसके यूसेज में सीखेंगे तब तो सीखेंगे, फिर भी कॉमन रूल यह है आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है. और ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, हैव बेस फॉर्म है, हैज सिंगुलर फॉर्म है. इनकी पास्ट फॉर्म हैड होती है जो कि पास्ट पजेशन या पास्ट ऑनरशिप को यहां पर दिखाने का काम करती है. फ्यूचर में या मॉडल्स के बाद हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, यानी विल हैव, मे हैव, मस्ट हैव, शुड हैव. क्लियर है? यानी बेस फॉर्म में हैव, भले ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो. तो पहला इसका यूज हैव का प्रयोग, यूज ऑफ हैव इन द सेंस ऑफ पजेशन और ऑनरशिप, अधिकार, मालिकाना हक, स्वामित्व के रूप में. जैसे सेंटेंस देखिए, आई हैव ए स्मॉल ब्यूटिफुल हाउस, मेरे पास एक छोटा सुंदर मकान है, यानी मैं उसका मालिक हूं, मेरे अधिकार में है. राकेश हैज ए न्यू कार, राकेश के पास एक नई कार है. तो यहां पर हैज आया. क्लियर? यहां पर हैव आया. क्यों? क्योंकि हैव आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, इसलिए राकेश के साथ हैज आया. इनके नेगेटिव आप दो तरीके से बना सकते हैं. एक तो आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल के हिसाब से डू नॉट डज नॉट का रूल्स जो भी उसके हिसाब से डू नॉट डज नॉट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हैज हैड के बाद नो लगाएं और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, यानी बिना ए एन का प्रयोग किए हुए आप वहां पर कोई भी नाउन लगा सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, ही हैज नो जॉब और नो मनी, उसके बाद न तो काम है और ना ही उसके पास पैसा है, तो यहां पर नो लगाया। ध्यान दीजिए, यहां पर नो का प्रयोग करें तो भले ही कोई काउंटेबल नाउन है, आप उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे मैं कहूं आई हैव नो कार, तो आई हैव नो ए कार आप नहीं कह सकते, वो ग्रामर के हिसाब से गलत माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव ए हाउस इन न्यू दिल्ली, उनके पास नई दिल्ली में एक मकान है। आई वॉन्ट टू हैव माई ओन बिजनेस, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूं और रखना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। सो आई वॉन्ट टू हैव, यहां पर इस टू हैव को एक तरीके से इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है। क्लियर, यहां पर मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया है, तो मेन वर्ब में, यानी इससे ये इन्फिनिटिव का बताने का तात्पर्य कि इन्फिनिटिव से भी आप लोग पोजेशन या ऑनरशिप दिखा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन इसका यूज है। इसके नेगेटिव, इंटरगेटिव, यस नो क्वेश्चन नियमानुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से भी बन सकते हैं, तो आप इनके बाद हैजो के बाद नो लगाकर भी नकारात्मक बना सकते हैं। आइए दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज ये है, जब हम लोग किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बताना चाहें, उसका कुछ वर्णन करना चाहें, उसके कुछ फीचर्स बताना चाहें, उसे कुछ क्वालिटी बताना चाहें, तो भी हम लोग हैज का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा शी हैज ब्यूटिफुल आइज, तो यहां पर उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताए गए हैं, उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, यू हैव ब्यूटिफुल आइज, कहने का तात्पर्य तो यह है कि आपकी आंखें सुंदर हैं। शाब्दिक अर्थ अगर जाते हैं तो कह सकते हैं आप सुंदर आंखें रखते हैं, पर आप शाब्दिक अर्थ पर जाने की बजाय, शब्द से शब्द अनुवाद करने की बजाय, आप उसका भाव समझिए, उसके पीछे अर्थ क्या है वो समझिए। यहां पर आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स बताए गए हैं, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का वर्णन किया जा रहा है कि उस जगह का क्या क्या स्पेशल इसमें क्वालिटीज है। नेक्स्ट देखिए, माय रूम हैज ए बेलकनी फेसिंग द रिवर, जब कहा माय रूम हैज ए बेलकनी फेसिंग द रिवर, इट मीन नदी की तरफ झांकती हुई, खुलती हुई मेरे कमरे में एक बेलकनी है। तो यहां पर उस मकान की, उस रूम की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई, उसे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हो गए। क्लियर, और देखिए एक सेंटेंस, गांधी जी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट लीडर, गांधी जी में एक महान नेता के सभी गुण थे। सो गांधी जी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट लीडर, तो यहां पर उनके कुछ पर्सनैलिटी को वर्णन किया जा रहा है, किसी के व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है, तो उनके पास क्या क्या है, उनकी क्या क्या चीजें, उनमें अच्छी विशेष बातें हैं। तो किसी व्यक्ति की विशेष बातें बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा शी हैज शाइनिंग हेयर, जो कहा शी हैज शाइनिंग हेयर, तो यहां कहना यह चाह रहे हैं कि उसके चमकीले बाल हैं, शाइनिंग हेयर है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी हैज डार्क हेयर एंड ब्राउन आईज, अब यहां पर यह है कि उसकी आईज तो ब्राउन है और बाल कैसे डार्क है। क्लियर है, तो यहां पर अगेन किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी, उसके व्यक्तित्व की कुछ विशेष बातें बताई जा रही हैं। ठीक ऐसे ही यदि आपके अंदर कोई गुण है, कोई क्वालिटी है,
तो यहाँ पर क्वालिटी बताने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई हैव कॉन्फिडेंस टू पास द एग्जाम. तो आई हैव कॉन्फिडेंस टू पास द एग्जाम, इट मीन्स परीक्षा पास करने के लिए मेरे अंदर आत्मविश्वास है, यानी मैं आत्मविश्वास रखता हूँ. तो यहाँ पर उस कॉन्फिडेंस, जो कि एक क्वालिटी बताने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी उस व्यक्ति की ये एक विशेष बात है, उसके वर्णन कर रहे हैं उसके व्यक्तित्व के क्या क्या गुण हैं उसके अंदर. तो किसी व्यक्ति के कुछ गुण बताने के लिए भी हम लोग इन्हीं का प्रयोग करते हैं, जैसे दे हैव ए लॉट ऑफ करेज, उनमें काफ़ी हिम्मत है, इनमें बहुत हिम्मत रखते हैं. और लास्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज इनफ कॉमन सेंस टू कॉल द डॉक्टर. अब क्या है उसके पास, इनफ यानी पर्याप्त, उसके पास सहज बुद्धि है, कॉमन सेंस है, वो डॉक्टर को बुला लेगी, ऐसा भाव कहना चाह रहे हैं. तो जब कोई भी व्यक्ति और इवन कोई वस्तु, कोई एनिमल, जैसे कहते हैं ना काउ हैज ए लॉन्ग टेल, तो यहाँ पर काउ हैज ए लॉन्ग टेल यानी गाय की एक लंबी पूंछ होती है, ऐसा निमत पांचवें छठे में आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह की क्वालिटी बता रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, उसे कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं. जैसे मान लीजिए मैं इसी रूम की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं दिस रूम हैज टू डोर्स, इस रूम में दो दरवाजे हैं. दिस रूम हैज द कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स, कि ये रूम में 100 लोगों की कैपेसिटी में 100 लोगों के इसमें बैठ सकते हैं. तो आप किसी व्यक्ति के ही क्वालिटी नहीं बताते, बोले किसी भी व्यक्ति, एनिमल, प्लेस, थिंग, कोई भी नाउन, ठीक है, नाउन का मतलब कोई प्रॉपर नाउन वगैरह, कॉमन नाउन है, उनके कुछ क्वालिटी, उनका कुछ वर्णन आप करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं. ध्यान दीजिए, हैज अ वर्ड सामान्यतः हम टीचर से कह के पीछा छुड़ा लेते हैं कि हम इसे अधिकार दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक use, there are so many other uses in English language which you have to understand clearly. आइए अगला और समझते हैं. और आगे आपके सामने relationship बताने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं मेरे दो बेटियां हैं, so I have two daughters, तो यहां पर मेरा कोई उनमें मालिकाना हक नहीं है, कोई relation या relationship, दोनों लिख लीजिए आप, relation और relationship. क्लियर? जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं. अब ध्यान दीजिए एक फीचर में यहां मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखा है, ब्रिटिश इंग्लिश में हैज आउ के बाद गॉड का प्रयोग भी किया जाता है, और एक तरीके से यह परफेक्ट टेंस हो गया, जो कि गेट की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ. हालांकि ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से या ओल्डन इंग्लिश के हिसाब से गॉड की थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है. क्लियर? तो ब्रिटिश इंग्लिश में सिंपली हैव बोलने की बजाय हैव गॉट भी कहते हैं, जैसे आई हैव गॉट ए कार. तो यहां पर गॉट मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप चाहें तो कह भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं. सो जैसे मैंने कहा आई हैव टू डॉटर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं. आई हैव मैनी फ्रेंड्स लिविंग नियर बाय, यानी मेरे पास में रहने वाले बहुत से दोस्त हैं, यानी पास में रहने वाले बहुत से दोस्त हैं मेरे. नेक्स्ट देखिए, Do you have a client named John? आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से पूछें, क्या आपका कोई जॉन नाम का कोई क्लाइंट आपके पास है? So यहां पर Do you have a client named John? यानी कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका नाम जॉन. और नेक्स्ट देखिए, They have got or they have two kids of their own. उनके अपने खुद के दो बच्चे हैं. तो आप have got भी कह सकते हैं, अकेला have भी कह सकते हैं. तो कोई भी रिलेशन या रिलेशनशिप बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है. आइए, इसका प्रयोग डू के सेंस में भी काफी होता है. टू डू समथिंग इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ डू. जैसे लेट अस हैव ए लुक एट द शेड्यूल. आइए अपन जो शेड्यूल है, जो प्रोग्राम है, उस पर एक नजर डालते हैं. सो यहां पर लेट अस हैव ए लुक एट द शेड्यूल. ध्यान दीजिए, मैं एक थोड़ा प्रोनंसिएशन की बात बता दूं. यहां पर इसका ब्रिटिश प्रोनंसिएशन शेड्यूल ही है, शेड्यूल. लेकिन
कुछ लोग अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसको स्केड्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्केड्यूल. हालांकि स्केड्यूल अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल सही है. स्केड्यूल मैं लिख भी देता हूं, स्केड्यूल. लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल ही होता है और हमें ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करना है क्योंकि लैंग्वेज उन्हीं की है. इसलिए जो ग्रामर में जो रूल्स आप पालन करें, चाहे स्पेलिंग्स की बात हो चाहे रूल्स की बात हो, हमें ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करना है. और आपको भी सलाह यह है, स्टाइल मारने के चक्कर में स्केड्यूल की बजाय आप शेड्यूल ही बोलिए, स्केड्यूल मत बोलिए. कुछ लोग अपने अमेरिकन स्टाइल दर्शाने के लिए इसको स्केड्यूल बोलते हैं. एनीवे, अगर कोई स्केड्यूल बोल रहा था वो समझ जाइए वो शेड्यूल ही कहना चाह रहे हैं. सो लेट अस हैव ए लुक एट द शेड्यूल और स्केड्यूल. दो बोथ आर करेक्ट, लेकिन हमें ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से शेड्यूल बोलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. आई जनरली हैव ए शॉर्ट वॉक आफ्टर लंच. कि लंच के बाद सामान्यतया मैं थोड़ी वॉक करता हूं, शॉर्ट वॉक के लिए जाता हूं, वॉक करता हूं. तो हैव ए शॉर्ट वॉक, थोड़ी वॉक करता हूं. नेक्स्ट देखिए, आई हैड कंप्लीट रेस्ट ऑन लास्ट संडे. कि पिछले संडे मैंने पूरे तरीके से आराम किया. तो डू के सेंस में यूज हो रहा कि नहीं हो रहा? पिछले संडे को क्या किया? आई हैड कंप्लीट रेस्ट ऑन लास्ट संडे, तो करना. नेक्स्ट देखिए, आई हैव ए शावर बिफोर आई गो टू बेड. यहां शावर का मतलब नहाना से है. ऊपर से अगर झरने की तरह पानी गिरता है ना, शावर लगे होते हैं बाथरूम में, आपने देखा होगा. तो यहां नहाने से मतलब है, मान लीजिए कि सोने जाने से पहले मैं नहाता हूं यानी शावर लेता हूं, ऐसे पानी पूरे शरीर पर छिड़कता हूं. तो यहां पर आई हैव ए शावर बिफोर आई गो टू बेड. और नेक्स्ट है, आई हैड ए स्विम टू कूल डाउन. कि ठंडा महसूस करने के लिए क्या किया मैंने? स्विम किया. और लास्ट है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव पिटी ऑन हिम. उसने मुझे उस पर दया करने के लिए निवेदन किया. सो करना, टू हैव पिटी ऑन हिम. तो इस डू का सेंस, यहां पर डू का सेंस में इसका प्रयोग अलग अलग रूप में यहां पर किया गया है. क्लियर? आइए अगला यूज इसका देखते हैं. यह मल्टीपर्पज वाला, आप खुद देखिए. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो उस इलनेस को बताने के लिए, जैसे आई हैव गॉट ए हेडेक. आप चाहें तो गॉट छोड़ भी सकते हैं. सॉरी, आप कह सकते हैं आई हैव ए हेडेक, मुझे सिर दर्द है. और यहां पर यह ए लगेगा ही लगेगा, एक्सेप्शन मान लीजिए. अब यह नहीं कि मुझे एक सिर दर्द है, सिर दर्द तो सिर दर्द ही है. सो आई हैव ए हेडेक. तो यह बीमारी के लिए भी हुआ. जैसे हैव यू एवर हैड मीजल्स. एक मीजल्स एक बीमारी का नाम है. क्या आपको कभी मीजल्स हुए हैं? क्वेश्चन पूछा गया है. और ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में यूज हुआ है. यहां पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड मेन वर्ब है. अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं. ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हैव, अभी यहां पर तो मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं. क्लियर? हैव का प्रयोग जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो हमने कई बार देखा होगा ईट के सेंस में हैव का यूज करते हैं. जैसे जनरली आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock. कि सामान्यतया मैं अपना नाश्ता 9 बजे करता हूं. या आपने कहा वी हैव आवर लंच एट 2 p.m. हम अपना लंच 2 बजे करते हैं. क्लियर है? तो यहां पर हैव का मतलब ईट से मीनिंग हुआ या नहीं हुआ? अब मान लीजिए मैं कहता हूं मैं आपके आने से पहले खाना खा चुका था. मैं आपके आने से पहले खाना खा चुका था. तो यह एक सेंटेंस है, आई हैड. अब खाना खा चुके के लिए मैंने कह दिया ईटन फूड बिफोर यू केम. यह पास्ट परफेक्ट में यूज हो गया. किसके सेंस में यूज हो गया? पास्ट परफेक्ट में आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम. सॉरी, यह फूड है. आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम. अब आप ईट के लिए आप वाकायदा हैव का यूज कर सकते हैं. मैंने आपको उदाहरण से ही बताया.
तो आप इस ईटन की जगह पर हैव की पास्ट फॉर्म हैड का प्रयोग कर दीजिए. तो सेंटेंस हो गया आई हैड हैड फूड बिफोर यू केम. अब कुछ विद्यार्थी भयंकर तरीके से यहां पर कंफ्यूजन में आ गए कि साहब एक साथ दो हैड 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 कैसे हुआ, हैड हैड कैसे हुआ. यहां पर ये हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ये हैड मेन वर्ब के रूप में है जो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन के लिए यूज हुआ है. तो हुआ कुछ क्लियर हुआ. बस इसी तरीके से ये हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड यहां पर मेन वर्ब है. हैव यू एवर हैड मीजल्स, क्या कभी आपको मीजल्स हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस शी हैज गॉट सीवियर कोल्ड. तो शी हैज गॉट ए सीवियर कोल्ड. आप चाहे तो गॉट लगा भी सकते हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं कि शी हैज ए सीवियर कोल्ड, यानी उसे बहुत ज्यादा ठंड लगी हुई है. और लास्ट है ही हैड ए हार्ट अटैक लास्ट नाइट, पिछले रात उसको हार्ट अटैक आ गया. अब देखिए आ गया, यहां कोई आने के लिए कम का ही नहीं है कि हार्ट अटैक केम टू हिम. शब्द से शब्द अनुवाद मत कर देना कि ए हार्ट अटैक केम टू हिम, नो 100% गलत हो जाए. इसलिए मैंने कहा कि अनुवाद पद्धति से अंग्रेजी सीखना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है. इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश के थ्रू ही सीखने की कोशिश कीजिए. पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखिए अंग्रेजी के, और उन सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग क्या मीनिंग या क्या भाव किस अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वह समझ लीजिए. तो मैंने यहां कहीं भी यहां हिंदी लेकर फिर अंग्रेजी नहीं करवा रहा हूं, मैंने डायरेक्ट आपको यहां पर अंग्रेजी में सेंटेंस दिए हैं. और यहां जब कहा ही हैड ए हार्ट अटैक लास्ट नाइट, तो शाब्दिक करते हैं कि कल रात को उसको हार्ट अटैक आ गया. तो आने का मतलब यह नहीं कि ए हार्ट अटैक केम टू हिम. क्लियर. यहां पर कोई बीमारी कोई इलनेस के लिए इसका यूज किया गया है. आइए अगला यूज है, अगर आप किसी चीज का अनुभव करते हैं वर्तमान में या पास्ट में या फ्यूचर में, इफ यू एक्सपीरियंस समथिंग, मे बी समथिंग बैड और मे बी समथिंग गुड, तो भी आप हैव का यूज कर सकते हैं. जैसे आई हैड वंडरफुल टाइम लास्ट ईयर, बहुत शानदार टाइम था मेरा पिछले वर्ष. सो आई हैड एक्सपीरियंस के रूप में यूज किया, यूज्ड इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग समथिंग. जैसे वी हैड ए नाइस टाइम इन न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क में हमारा समय बहुत अच्छा था, यानी आपने अच्छा समय बिताया, आपको अच्छा अनुभव रहा समय बिताने का वहां पर. सो टू एक्सपीरियंस समथिंग आप हैव का यूज कर सकते हैं इस सेंस में भी. नेक्स्ट देखिए ड्राइव केयरफुली, सावधानी से चलाइए, अदरवाइज यू मे हैव एन एक्सीडेंट, कि अदरवाइज आपका एक्सीडेंट हो सकता है. तो यहां पर एक्सपीरियंस का मतलब एक्सीडेंट हुआ तो आपको अनुभव ही हो जाएगा एक्सीडेंट का. नेक्स्ट वी डिडेंट हैव एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम देयर, हमें वहां पर कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की हमें वहां समस्या नहीं हुई, यानी हमें किसी भी प्रकार की समस्या कठिनाई का अनुभव वहां पर नहीं हुआ, हमने कठिनाई का वहां पर सामना नहीं किया. सो वी डिडंट हैव, पास्ट इंडेफिनिट का रूल लागू हुआ है और इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो वी डिडंट हैव एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम देयर. नेक्स्ट है लेट अस हैव ए ग्रैंड पार्टी टुडे. मान लीजिए आपका कहीं अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया, आओ आज तो मैंने शानदार पार्टी करते हैं. तो यहां शानदार पार्टी करते हैं तो उसका अनुभव ही तो आपको होगा अच्छा खासा, तो उसके सेंस में भी किया गया है कि लेट अस हैव ए ग्रैंड पार्टी. आप कह सकते हैं ना कि ही इज गोइंग टू हैव ए पार्टी टुडे, तो वो पार्टी करने जा रही है, पार्टी अरेंज होने जा रही है. क्लियर. सो यहां पर कोई भी चीज अच्छी या बुरी, अनुभव या कोई चीज करना, दोनों सेंस. नेक्स्ट है यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईट ड्रिंक समथिंग, कि कोई चीज खाना या कोई चीज पीना, दोनों सेंस. जैसे कॉफी पीते हैं प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, सो प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, इसमें कृपया चाय पीजिए, कृपया चाय लेवें. तो यहां पर हैव का यूज, जब कहा प्लीज हैव ए कप ऑफ टी तो कोई उठा के जेब में तो रखना नहीं है, चाय तो पीना है, तो इसीलिए ड्रिंक ऑफ
ईट के सेंस में इसका यूज है. जैसे आई लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी आफ्टर डिनर, कि डिनर के बाद मैं एक कप कॉफी पीना पसंद करता हूं. सो आई लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी आफ्टर ड्रिंक. नेक्स्ट देखिए, कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ दैट डिलीशियस केक, क्या मैं उस स्वादिष्ट केक का एक पीस और ले सकता हूं. तो यहां लेने का मतलब कोई पॉकेट में नहीं रखना, खाना है. तो कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ दैट डिलीशियस केक. अब यहां पर देखिए, मैंने इसको डिलीशियस बोला है. अधिकांश लोग, मेरा अनुभव कहता जो मैंने सुना, डिलीशियस नॉट शियस, पहले तो डेलीशियस बोलते हैं. इट्स नॉट डेलीशियस, इट्स डिलीशियस, शस डिलीशियस. मैं ये रूल फिर आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर दूं. वॉकेब की क्लास में मैंने ये रूल अनेक बार चर्चा की है. कुछ लेटर्स में लास्ट में आई ओ यू एस आता है. ये आई ओ यू एस कभी भी टी के बाद, सी के बाद, एक्स के बाद और जी के बाद अगर आए तो यहां पर इस आई का प्रोनंसिएशन नहीं किया जाता, यानी ये आई ड्रॉप कर दिया जाता है. इसीलिए हम लोग यहां पर इट इज नॉट डेलीशियस, इट्स डिलीशियस, डिलीशियस. एम्बिशियस, ए एम बी आई टी आई ओ यू एस, एम्बिशियस. नॉट कॉन्सियस, कॉन्शियस. नॉट एंग्सियस, एंग्शियस. नॉट रिलीजियस, रिलीजियस. लेकिन इन चार लेटर के अलावा अगर ये आई ओ यू एस किसी भी कॉन्सनेंट के बाद आए तो फिर ये आई बोला जाता है. जैसे ग्लोरियस, ऑब्वियस. यहां पर ये बोला जाएगा वियस, रियस. क्लियर है? साथ में यहां पर ये नहीं है. सामान्यतया जहां ए होना चाहिए वहां पर हम लोग ये बोलते हैं. जैसे इट्स नॉट प्लेयर, इट्स प्लेयर. इट्स नॉट ग्लोरियस, इट्स ग्लोरियस. इट्स नॉट ऑब्वियस, यस नहीं, अस, ऑब्वियस. क्लियर? तो यहां पर इट्स नॉट डेलीशियस, इट्स डिलीशियस केक. नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई डोंट यू स्टे एंड हैव लंच विद अस. आप थोड़ा क्यों नहीं ठहरते हमारे साथ, लंच क्यों नहीं करते? तो सामने वाले से रिक्वेस्ट की गई है. और लास्ट सेंटेंस है, आई हैड ए सिगरेट वाइल आई वॉज वेटिंग. जब मैं इंतजार कर रहा था तो मैंने एक सिगरेट पी. अब यहां तो ड्रिंक का सेंस तो हो ही नहीं सकता. सो आई हैड ए सिगरेट वाइल आई वॉज वेटिंग, कि जब मैं इंतजार कर रहा था तो क्या किया मैंने, एक सिगरेट पी. तो यहां पर ड्रिंक और ईट के सेंस के अंदर और इवन धूम्रपान करने के सेंस में भी आप हैव का यूज कर सकते हैं. ये यूज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग भाव बताने के लिए हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग करते हैं. हेल्पिंग वर्ब में तो केवल परफेक्ट टेंसेज में करते हैं, जहां इनका कोई मीनिंग होता ही नहीं है. बस मेन वर्ब का मीनिंग ही इसका मीनिंग है, यह मान लीजिए. वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो सिर्फ इसका जो यूज है वो टेंस बनाने के काम में आता है, यानी उसका भाव व्यक्त करने के काम में आता है. अब देखिए आगे, और ऐसी बहुत सी एक्शन वर्ब्स हैं जिनके सेंस में हैव का यूज करते हैं. अभी तक आप लोग डू, ईट और ड्रिंक के सेंस में या धूम्रपान करने के सेंस में देख चुके हैं, यानी डू, ईट, ड्रिंक और इवन स्मोक के सेंस में आप इसका यूज देख चुके हैं. अब जो अन्य जो कुछ एक्शन वर्ब्स हैं उनके रिस्पेक्ट, पहला है कोई भी चीज प्राप्त करना, पाना, रिसीव करना. जैसे नहीं देखिए, आई हैड ए लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह मुझे मेरे दोस्त का पत्र मिला. तो यहां पर रिसीव किया मैंने, यानी मैंने पाया. आई हैव ए लॉट ऑफ क्वेरीज एवरी डे, मेरे पास रोजाना बहुत सी क्वेरीज आती हैं, यानी पूछताछ होती है. लेट मी हैव सम बुक नेक्स्ट वीक, सो लेट मी हैव द बुक बैक नेक्स्ट वीक. अब देखिए यहां पर एक तरीके से इसका मीनिंग है कि कृपया मुझे अगले वीक अपनी बुक वापस
रिसीव करने दो यानी मैं वापस पढ़ लूँ, ऐसा इसका मीनिंग। कैन आई हैव द बिल प्लीज़। आप काउंटर पर किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं, कहते हैं क्या मैं बिल ले सकता हूँ, तो वहाँ पर आप रिसीव, सो कैन आई हैव माई बिल प्लीज़। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यूज़ हुआ किसी रिसीव के सेंस में, किसी चीज़ को पाना, प्राप्त करना। अगला जन्म देने के लिए भी यूज़ हो रहा। देखिए, रोजी हैड ए बेबी गर्ल यस्टरडे, रोजी को कल एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ है। शी इज गोइंग टू हैव ए बेबी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उसको बेबी होने वाला है। क्लियर? तो इस तरीके से गिव बर्थ, जन्म देना, इस सेंस में भी हैव का यूज होता है। होल्ड यानी पकड़ना, जैसे ही हैड इज हैड इन हिज हैंड्स, यानी उसने अपना सिर अपने हाथों से पकड़ लिया, तो ही हैड इज हैड इन हिज हैंड्स। और नेक्स्ट है शी हैज गॉट ए बीए डिग्री, उसके पास बीए डिग्री है, यानी वो बीए डिग्री होल्ड करता है। पास्ट पर्सन हो सकता है, जैसे आप ये भी कह सकते हैं, इवन मैं आपको बताना चाहूँ, हम कल मीटिंग कॉल करेंगे, सो वी विल कॉल ए मीटिंग टुमारो। आप ये भी कह सकते हैं वी विल हैव ए मीटिंग टुमारो, सो कॉल के सेंस में भी हो गया, होल्ड वी विल होल्ड ए मीटिंग टुमारो, तो उस सेंस में भी यहाँ पर हैव का मीनिंग हो जाता है। जनरली कहते हैं कि वी होल्ड ए मीटिंग एवरी मंथ और वी विल हैव ए मीटिंग नेक्स्ट मंथ, सो वी विल हैव ए मीटिंग नेक्स्ट मंथ, तो होल्ड के सेंस में। इसके अलावा किसी चीज में किसी चीज का होना, यानी कंसिस्ट ऑफ के सेंस में भी, जैसे हिज कंपनी हैड 10,000 एम्प्लॉयज इन 2002, कि 2002 में उसकी कंपनी में 10,000 कर्मचारी थे, यानी उसके अंदर थे, कंसिस्ट करते थे अपने अंदर। द बॉटल हैज 1 लीटर ऑयल, कि इस बॉटल में 1 लीटर तेल है। इंडिया विल हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2050, कि 2050 में भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो किसी, अब इस रूम में भी कह सकते हैं दिस रूम हैज 4 फैंस, इस रूम में 4 पंखे हैं, तो कंसिस्ट ऑफ के सेंस में भी इसका यूज होता है। तो आप खुद देखिए कि हैव हैज हैड मल्टीपर्पज वर्ब हैं जो अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है, साथ में 4 तरीके से, यानी मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, मॉडल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब में भी इसका यूज होता है। आइए कुछ अगला यूज इसका और देखें। ये यूज है कि टू लेट ए फीलिंग और थॉट कम इन टू योर माइंड, कभी कहते ना यार एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में है, सो आई हैव ए वंडरफुल आइडिया इन माई माइंड, सो आई हैव ए वंडरफुल आइडिया, ऑलमोस्ट ऑल मीनिंग हो गया थिंक, जैसे आई हैव ए गुड प्लान फॉर यू। सो यहां पर थिंक के सेंस में भी तो यूज हो रहा है कि मैंने एक अच्छा विचार सोचा है, अच्छा प्लान सोचा है आपके बारे में, या आई हैव ए प्लान, यानी मैंने एक प्लान सोचा है। सेंटेंस देखिए, आई डोंट हैव एनी डाउट एट ऑल अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम, कि इस स्कीम के बारे में मुझे कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। नहीं देखिए, आई हैड द स्ट्रांग इंप्रेशन दैट समवन वॉज वॉचिंग मी, यानी मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग ऐसा इंप्रेशन मेरे दिमाग में है कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है, मेरे पे निगरानी रख रहा है, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ प्रभाव है। तो यहां जैसा लिखा ना कि टू लेट ए फीलिंग और थॉट कम इन टू योर माइंड, कि दिमाग में किसी बात का आना, उस सेंस में भी इसका यूज होता है। एक सेंटेंस और देखिए, योर न्यू बुक विल हैव ए मेजर इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन इन आवर कंट्री, कि आपकी किताब हमारे देश में जो पब्लिक की ओपिनियन है, जो जनता की राय है, उस पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी, प्रभाव डालेगी, या उसका बहुत ज़्यादा असर होगा या उसका प्रभाव होगा। सो टू हैव, यहाँ टू हैव डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पर योर बुक विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, तो लोगों के दिमाग में एक बड़ा उसका प्रभाव आ जाएगा। बहुत अच्छा इसका यूज है, बोलचाल के दृष्टिकोण से आपको इनके सारे यूज आपको मालूम होना ही चाहिए, इसलिए डिटेल में मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ में जो युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी जो बुक है,
उसमें इनको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। आइए अगला एक सेंटेंस और देखते हैं। हिज बुक हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मी एज ए स्टूडेंट, कि जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में था तो उसकी किताब का मुझ पर बहुत ज्यादा या बहुत तीव्र प्रभाव पड़ा। हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मी, यानी उसकी किताब का, एक विद्यार्थी के रूप में जब मैं था तो उसकी किताब का मुझ पर एक बहुत ज्यादा असर पड़ा। और इसी सेंस में लास्ट है, आई हैव लॉट ऑफ हैप्पी मेमोरीज ऑफ माई टाइम इन ग्वालियर, कि ग्वालियर में जो मेरा एक बहुत ही खुश, एक अच्छा टाइम था, उसकी जितनी भी हैप्पी मेमोरीज हैं वो आज भी मेरे पास है, यानी मेरे दिमाग में है। तो ध्यान दीजिए, आई हैव लॉट ऑफ हैप्पी मेमोरीज ऑफ माई टाइम इन ग्वालियर। तो किसी के दिमाग में कोई चीज़ आना, कोई विचार आता है, कोई आइडिया आता है, कोई प्रोग्राम आता है, कोई प्लान आता है, उसके लिए भी आप ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। और नेक्स्ट है, हैव समथिंग टू डू समथिंग, जैसे कोई भी काम करने के लिए, और ऑब्जेक्ट के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर रहा, कि किसी व्यक्ति के पास यहाँ वाला काम करने के लिए ये चीज़ उसके पास है। जैसे आई हैव कॉन्फिडेंस टू पास द एग्जाम, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है क्या काम करने का, यह वाला। क्लियर? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां पर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग होता है, और उसके बाद टू इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इन सेंटेंस को देखिए, वी हैव एबिलिटी टू विन द मैच, कि हमारे पास मैच जीतने की एबिलिटी है, सामर्थ्य है, दक्षता है, योग्यता है। आई हैव कॉन्फिडेंस टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए मेरे अंदर विश्वास है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य है। और लास्ट देखिए, वी हैव ए चांस टू गो एब्रॉड, हमारे पास विदेश जाने का एक मौका है। तो हमारे पास क्या है, इस हैव से इस पर इसका पोजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, और ये वाला काम करने का ये वाला चीज आपके पास है। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलने और लिखने के हिसाब से ये बनता है, जो 10th नंबर पर यहां पर दिया है। आप खुद देखिए हैव के कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कितना इसके अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई टोल्ड यू दैट दिस हैव इज द मल्टीपर्पज वर्ब विच कैन बी यूज इन डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस। क्लियर? आइए इसका एक, ये इसके पूरे यूज हुए, मैं एक बार के लिए रिविजन के लिए आपको बता दूं कि चार तरीके से इसका यूज किया जाता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, और इसका परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। नंबर दो, मेन वर्ब, और मेन वर्ब में इसके अलग अलग सेंस में जो यूज हुए वो मैंने अभी आपको सिखा दिए। तीसरा, मॉडल वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हैव टू, हैज टू, हैड टू, जो कोई कंपल्सन मजबूरी को दिखाता है। और एक मैंने बताया था कॉजेटिव वर्ब के रूप में। सो अभी मैंने इस पूरे जो आपका ये जो लेक्चर था, इसे कंप्लीट तरीके से इसके अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं, और मेन वर्ब के रूप में कैसे इसका अलग अलग यूज करते हैं वो बताया। लेकिन मेन वर्ब के अलावा हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ परफेक्ट टेंस में, और अलग अलग सेंस में मॉडल और कॉजेटिव में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में जो हमारी युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी बुक है, आप उसमें भी इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए ताकि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं हो। साथ में हमने जो स्पोकन प्रैक्टिस और ऑटोमेटिक सेंटेंस जनरेटिंग टेबल्स दी गई हैं, उनके आधार पर इनको बोलने का भी अभ्यास कीजिए, सेंटेंसेज में इनका प्रयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।